आगाज फिलहाल करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ और सीधा आपको शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं। इस वक्त जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है और जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त पुलिस और फौज की 52 राष्ट्रीय राइफल्स के अहलकार शुमाली कश्मीर के सोपोर में कर रहे हैं, जहां पर मनसीर गांव नामी ये जो गांव है, आज सुबह सुबह गश्त के दौरान एक बैग मिला, बल्कि एक पॉलीथीन मिला और मुश्तबे हालत में ये पॉलीथीन पाया गया सड़क के किनारे और बाद में पता चला कि इसके अंदर आईडी तैयार करके इस लिफाफे के अंदर, इस पॉलीथीन के अंदर रखी गई थी। इसके फौरन बाद 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान थे, जम्मू कश्मीर पुलिस यानी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थे, ताजा तस्वीरें आपके सामने सोपोर के इस इलाके की जहां पर आईडी उसके बाद बरामद करने की बात कही गई और फौरी तौर पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब किया गया और आखिरी इतलात मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेज, बल्कि जो बीडीएस है वो आखिरी इतलात जो मिली है मसरूफ है कार्रवाई में, थोड़ी देर बाद नाकारा बनाने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हमारे पास डिटेल्स हैं कि आईडी बरामद होने की कंफर्मेशन खुद कर दी गई पुलिस की तरफ से और उसके बाद यहां कार्रवाई यानी फौज भी कर रही थी, पुलिस भी कर रही थी, ये सोपोर के मनसीर गांव में आज सुबह सुबह पॉलीथीन मिला, उसके अंदर आईडी थी। अब आईडी को नाकारा बनाने के लिए इस वक्त भी कार्रवाइयां चल रही हैं और आसपास के इलाकों में भी थोड़ा बहुत सर्च ऑपरेशन मजीद बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें हैं जी सोपोर इलाके की, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि एक आईडी है जिसको डिफ्यूज करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त मौके पर मौजूद है और थोड़ी देर में इसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप साल 2022 के अदाद शुमार पर देखेंगे और साल 2022 में कई बार इस तरीके के अटेम्प्ट्स किए गए जहां पर आईडीज़ को लगाया गया और कई बार नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, एक दो बार हमने इस तरीके की भी खबरें जो है वो देखी है। तहम फिलहाल ये एक नया ट्रेंड दोबारा से सर उठा रहा है कि आईडीज़ को बिछाकर फौज को निशाना बनाने की कोशिशें हैं। तहम आरोपी जो रोड ओपनिंग पार्टी सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गश्त करती है और ये एक रूटीन का मैटर है 1990 के बाद, उन्होंने आज एक बार फिर सोपोर का ये इलाका है जहाँ पर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस उनके सामने आया जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की जा रही है कि जनाब उसको डिफ्यूज़ किया जाए। बम डिस्पोजल स्क्वाड बीडीएस जिसे हम कह रहे हैं, 52 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ इस वक्त ज्वाइंटली इस पूरे इलाके के अंदर मौजूद है और कुछ सस्पेक्ट से भी